बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे, उम्मीद है बहुत करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से खैरियत से हूँ और सबके लिए मैं ढेर 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 दुआएं चाहती हूँ कि सब मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे सब सेहतमंद जिंदगी जिए, खुशोखुर्रम जिंदगी जिए। और इन दुआओं के साथ आज की रेसिपी शुरू करने से पहले ये मैं बता रही हूँ कि हम बना रहे हैं आज आलू मटर और कीमा। इसका सालन बना रहे हैं क्योंकि घर में आज कोई दुआ का अहतमाम है, तो हम ये न्याज की तरह बना रहे हैं। तो ये फिर हम मेहमानों को खिलाने के लिए ये पका रहे हैं। ये ज़रा ज़्यादा है, तो इसमें किलो मटरों के दाने हैं, 2 किलो आलू है, 1.25 किलो कीमा है, 1.5 किलो, और ये मैंने प्याज 4-5 काटे हैं, और ये टमाटर जाएंगे 1.25 के करीब, और 1.5 के करीब मैंने इसमें ऑयल डाल दिए। देख से में ये देखें, अब इसमें प्याज जाएगा, ये गर्म हो चुका है, तो इसमें ये अब प्याज जाएगा। ये देखें, ये जा रहा है इसमें प्याज, ये 4-5 मैंने प्याज काटे हैं, ये जा रहे हैं इसमें, क्योंकि ये सालन ज़रा ज़्यादा बन रहा है। जा रहा है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, टेबल स्पून, और ये 2 टेबल स्पून, और ये थोड़ा सा ऊपर। चुका है, अब इसमें जाएगा कीमा। ये देखिए, ये देखिए, ये 1.5 किलो कीमा। बड़ा मिर्च 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, ये 3 चम्मच, ये 4 चम्मच, ये जा रहा है इसमें 2 चम्मच भर के नमक। ये 1 चम्मच जाएगी इसमें हल्दी, ये
ये जाएंगे इसमें टमाटर। इसमें खड़ा मसाला दे देंगे पानी ताकि ये अच्छे से गल जाए, फिर भून के इसमें हम सब्जी ऐड कर देंगे। यहाँ रखे एक बर्तन, उसमें रखेगी देखें नाजरीन, पानी खुशक हो गया और ये छोड़ दिया इसने। अब हम इसकी बुनाई करेंगे, अच्छे से बुनाई करके फिर हम इसमें डालेंगे आलू और मटर, वो डाल के भूनेंगे, फिर इसको हम थोड़ी देर पानी का छींटा देके दम पे लगा देंगे, फिर हमारा सालन तैयार हो जाएगा। फिर हम इसमें गरम मसाला और वो डाल देंगे हरा धनिया। ये जाएगा इसमें 1 पाव के करीब दही, ताकि ग्रेवी क्रेजी स्पाइसी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो जाए इसमें। तो ये बड़ा मज़े का कीमा, बड़ी प्यारी रेसिपी बनने वाली है। जा रहे हैं जी इसमें मटर, ये देखिए कि हमने 2 किलो मटर लेके दाने निकाले। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, हरे हरे सबज सबज। ये देखिए ये इतने प्यारे बीन्स हैं ये, वाह जी वाह। ये जा रहे हैं जी इसमें आलू, ये देखें। हल्का सा मैंने इसे घी में कर लिया था फ्राई, हल्का हल्का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जनाब कितने प्यारे हमारे ये आलू मटर कीमा तैयार हो रहा है, ज़बरदस्त लोहरी यार। आलू मटर कीमा ये लाहौरी डिश तैयार हो रही है, ज़बरदस्त किस्म की। ये देखें साथ होंगी तंदूर की रोटियां, सैलड साथ होगा रायता, तो क्या मज़ा देगा ये कीमा। ये देखें ये जा रहा है इसमें 1.5 गिलास पानी, ताकि ये नीचे से जले भी ना और अच्छे से ये आलू मटर गल जाए, थोड़ी सी ग्रेवी तैयार हो जाए इसमें। ये देखें अभी हम आपको इसको दम लगाएंगे 10 मिनट का, उसके बाद फिर हम आलू जैसे ही गल जाएंगे हम आपको दिखा देंगे।
ये देखिए जी, हमारी छोटी देग तैयार हो गई है। जबरदस्त, आज की रेसिपी तो कमाल की है भाई, बहुत अच्छी है। ये मेरे तरीके से बना के खाएं तो आपको पता चले कि कीमा क्या होता है। ये देखें, बनाएं खाएं, खुशियां बांटें फैमिली में, सबको खिलाएं। ये बहुत मज़े की चीज़ है। और ये मैंने मटन नहीं लिया, मैंने बीफ कीमा है इसमें। अब इसको हम दम लगा देंगे। देखें जी, हमारा ये आलू मटर कीमा तैयार है। ये देखें जी, इसकी ग्रेवी चेक करें। और ये देखें, ये हमारी सी ये हांडी तैयार हो गई है। अब हम इसको देने लगे हैं सब्ज धनिया। ये जा रहा है इसमें, ये जा रहा है सब्ज धनिया, सारे काट दिए मैंने। ये जा रहा है इसमें बारीक कटा हुआ अदरक थोड़ा सा, ये जा रही हैं इसके 4 से 5 हरी मिर्चें खूबसूरती के लिए। ये हमने इसकी गार्निश कर दी है, तो ये आपको हम ये देख लें जी। आज की रेसिपी हमारी यहीं पे ख़त्म, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्ला। जीते रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको कोई बीमारी, कोई दुख, कोई ऐसी नागहानी तकलीफ में मुब्तला ना करे। परवरदिगार अपना फजल रहम करम रखे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्ला।